राहुल गांधी की जब से मध्य प्रदेश में यात्रा शुरू हुई उसके बाद भाजपा के कई नेताओं द्वारा उनके द्वारा दिए गए बयानों की आलोचना की जा रही है। शुक्रवार को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने उनकी यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के बाद उन्होंने लगातार दो ट्वीट कर उन पर हमला बोला था। इसी कड़ी में उन्होंने शनिवार सुबह अपने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें उन्होंने अपने मित्र अतुल ज्वाला का हवाला देते हुए लिखा है कि उन्होंने राष्ट्रीय पदयात्रा के सम्मान में एक शानदार कविता लिखी है। उक्त कविता 2:20 की है, जिसमें राष्ट्रीय पदयात्री को राहुल गांधी के स्टाइल में हाथ हिलाते हुए पदयात्रा करते हुए बताया है। हालांकि राष्ट्रीय पदयात्री वीडियो में अकेले दिख रहे हैं और उनकी कविता की हर लाइन राहुल गांधी की पदयात्रा और कांग्रेस पर इशारा कर रही है। इसके पूर्व विजयवर्गीय ने शुक्रवार को राहुल गांधी की पदयात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने को लेकर ट्वीट किया था। इसलिए तो कहते हैं कि ये भारत तोड़ो यात्रा है। राहुल गांधी की यात्रा में आज फिर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। राहुल और INCMP का हाथ पाकिस्तान के साथ एक अन्य ट्वीट में विजयवर्गीय ने चुटकी ली थी कि हम पप्पू यूं ही नहीं हैं। टंट्या मामा को फांसी 1990 में दी गई और हमें अभी तक बताया गया था कि RSS की स्थापना 1925 में की गई थी। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए पप्पू का, जिन्होंने 1990 में भी RSS के होने की जानकारी को आज हम सभी से सामने ला दिया। गजब की जानकारी है इनके पास। तुम मुझे बुद्धू क्यों मानते हो भला? मैं जानता हूँ आलू से सोना बनाने की कला। तुम मुझे बुद्धू क्यों मानते हो भला? मैं जानता हूँ आलू से सोना बनाने की कला। रुपया जो पूरा था उसकी चवन्नी कर दी, ऐसा चक्कर चलाया कि पार्टी चक्कर घिन्नी कर दी। मोबाइल की फैक्ट्री कहाँ कहाँ लगेगी ये देखने निकला हूँ। मैं बुझे हुए चूल्हे पर राजनीति की रोटी सेकने निकला हूँ। भाई साहब, मैं पैदल हूँ और यात्रा पर निकला हूँ।